हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 फरवरी 2018 की डेली प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है मेनली पेलिकन बर्ड के बारे में। तो न्यूज ये है एक्चुअली कि पेलिकन बर्ड फेस्टिवल 2018 है उसके बारे में। तो पेलिकन बर्ड फेस्टिवल 2018 है वो मेनली आंध्र प्रदेश की जो कोलेरू लेक है वहाँ पे ही मनाया गया है। तो उसको लेके न्यूज है, देखते हैं इसमें है क्या। तो सबसे पहली चीज तो हमें यही ध्यान रखना ही है कि जो पेलिकन बर्ड जो फेस्टिवल है वो कोलेरू लेक में मनाया गया है। और कोलेरू लेक है कहाँ पे? कोलेरू लेक है वो मेनली आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो बेसिन डेल्टा वाला एरिया है वहाँ उन दोनों के बीच में स्थित है। तो ये बेसिक पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना। किसके द्वारा वो ऑर्गेनाइज किया गया है तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो कोलेरू लेक जो फेस्टिवल मतलब ये फेस्टिवल है मेनली यह आंध्र प्रदेश टूरिज्म अथॉरिटी और कृष्णा जो वहाँ पे जिला है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। अब हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है मेनली वो आती है कोलेरू लेक। तो देखो कोलेरू लेक है वो इंडिया की एक मेन फ्रेश वाटर लेक में से एक, मतलब सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है उनमें से एक है, मतलब मीठे पानी की झीलों में से एक है। और इसी के साथ ये रामसर साइट में भी है, लिस्टेड है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। और है कहाँ पे वो अभी डिस्कस किया था हमने कि कृष्णा और गोदावरी रिवर के बेसिन पे। तो इस बार इसकी लोकेशन से वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इस वाले एरिया में। यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो हमें ध्यान रखनी है कि कोलेरू जो रामसर साइट भी है यहाँ पे लेक, और ये मेनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भी वहाँ की। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है आंध्र प्रदेश का। तो ये भी इंडिया की दृष्टि से हमारे लिए काफी अहम चीजें होती है। तो हमें तीनों चीज ध्यान रखनी है कि कोलेरू लेक है वो रामसर साइट भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। और वहाँ पे कौन सा बर्ड पाया जाता है मेनली? वो पाया जाता है पेलिकन बर्ड। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पेलिकन बर्ड को दूसरा नाम है वो नाम है इसका स्पॉट ब्लेडेड पेलिकन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जहां भी पेलिकन आ रहे हैं तो आप समझ जाना। और जो पेलिकन बर्ड है ये मेनली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके तहत इसे कंजर्व है वो कंजर्वेशन है वो मतलब सुरक्षा प्रदान की गई है। और इसके साथ दो IUCN की जो लिस्ट है उसमें रेड लिस्ट के अंतर्गत शामिल है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, कौन सी लिस्ट में? वल्नरेबल लिस्ट में। तो बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है ये पाया कहाँ जाता है। बाकी पॉइंट्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है मेनली इंटरनेशनल क्ला मेला के बारे में। तो देखते हैं कि इंटरनेशनल क्ला मेला के बारे में, यह मेनली दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। किसके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया? ललित कला अकेडमी और IGNCA और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर आर्ट के द्वारा इसे आयोजित किया गया और मेनली ललित कला अकेडमी है उसके द्वारा। दोनों चीजों के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका काम क्या है इंटरनेशनल कला मेले का? इसका काम मेनली है कि जो भी कलाकार या इंटरनेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट हैं उनको एक्चुअली कला के बारे में अवेयर करना, बाकी लोगों को भी उनके बारे में अवेयर करना, तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पहचान है, उनकी आइडेंटिटी वो बनाना, मतलब कला का प्रदर्शन भी होगा, उनकी इंटरनेशनल लेवल पर आइडेंटिटी है उसको बूस्ट किया जाएगा और कला के बारे में अवेयर करना। तो ये सारे काम है वो किए जाएंगे इंटरनेशनल कला मेला में। कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी। अब हम देख लेते हैं कि ललित कला अकेडमी के बारे में। ललित कला अकेडमी है वो इंडिया की एक्चुअली नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स या इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स है, पहली एक एकेडमी। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1954 में बना था। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि इंडिया की जो आर्ट्स हैं उनके प्रति लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, इसके साथ ही प्रचार प्रसार करना, और ये जगह जगह प्रदर्शनी वगैरह आयोजित करती है ताकि लोगों को इंडिया की जो भी आर्ट्स वगैरह है उनके बारे में पता चले। आर्टिसंस को भी ये प्रमोट करती है प्रदर्शनी वगैरह लगा के। तो ये इसके बारे में बेसिक न्यूज थी जो हमने डिस्कस की। अब आगे चलते हैं। पेलिकन बर्ड के बारे में फेस्टिवल हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले जो न्यूज आती है वो आई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में। तो ये चीज हम देखते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि इंडिया ने UNDPF जो फंड है इसके अंदर $1 मिलियन का फंड जो कंट्रीब्यूशन है वो सपोर्ट है प्रदान है वो किया है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे लिए जो UNDPF फंड है इसके फंड क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि यह जो फंड है यह मेनली इंडिया और यूनाइटेड नेशन के सहयोग को दर्शाता है। अब इसमें होता क्या है इस फंड में? यह फंड है मेनली यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है साउथ साउथ कॉरपोरेशन का, UNOSSC, मतलब यूनाइटेड नेशन का साउथ साउथ जो कंट्रीज है उनको कॉरपोरेशन सहयोग के लिए जो फंड बनाया गया वही फंड है। इसका काम ये है कि मेनली जो भी डेवलपिंग और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच क्या है कि उनको एक तरीके से थोड़ा फंड वगैरह प्रोवाइड करना ताकि वो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट वगैरह मिल सके और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकें। क्योंकि देखो जो लिस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि उनके पास फंड वगैरह का काफी इशू रहता है। तो विकासशील देशों और जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से स्वामित्व है, उन लोगों का थोड़ा लीडरशिप प्रोवाइड करना ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर सकें, सपोर्ट देने का एक काम है वो करती है। इसका जो मेन टारगेट होता है यूएन फंड का वो टारगेट होता है मेनली गरीबी को दूर करना, हेल्थ सेक्टर में सैनिटेशन वगैरह की सिक्योरिटी है
मतलब हेल्थ सेक्टर को फोकस करती है, इसके साथ ही एजुकेशन और इक्वलिटी मतलब आय में जो असमानता उसको भी दूर करने में सपोर्ट है और प्रगति है। तो ये ध्यान रखनी है कि इसका सिग्नल ऐसा नहीं कि केवल गरीबी के लिए काम करती, नहीं बाकी और सेक्टर भी। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किया। अब आगे हम देखते हैं UNOSSC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन, ये चीज हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो ये मेनली है, ये UNDP के द्वारा आयोजित किया गया था 1974 में। क्यों, कब बनाया गया था? यह 1974 में बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हुई थी उसके द्वारा इसे बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन। इसका काम ये है कि जो साउथर्न जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में त्रिकोणीय सहयोग है वो प्रोवाइड करना, उनको बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर आना, उनके बीच में सपोर्ट है वो बूस्ट करना, मतलब साउथ साउथ की जो कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट देने के लिए एक तरीके से इस फंड का या इस इंस्टीट्यूट का काम है, निर्माण किया गया था यूएन का। ऑब्वियसली पार्टन नाम से पता चल रहा है कि यूएन की जनरल असेंबली से इसे बनाया गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें वो ध्यान रखनी है हमें, इसको लेके ये न्यूज थी। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज आती है वो आती है मेनली LTCG टैक्स के बारे में। तो देखते हैं कि LTCG टैक्स है क्या, क्योंकि ये देखो अभी न्यूज में था बजट में भी और अभी इसके बारे में वापस न्यूज में आया, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। LTCG टैक्स का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो सबसे पहली चीज तो एक यूपीएससी पे ही पूछ सकती है, क्या यह इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है? तो जी बिल्कुल, यह पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था बट कुछ टाइम से एक्चुअली से गवर्नमेंट है मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं था, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जैसे नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कैपिटल अगर लंबे टाइम तक रखी जाती है और उससे काफी मतलब इनकम गेन हो रही है, उससे कैपिटल बन रही है और ज्यादा, तो उस पर टैक्स है वो देना होगा। इससे थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं, यह मेनली जो शेयर और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए होता है। कि जैसे कई बार की आपको बता दूं कि शेयर होल्डर दो तरीके के शेयर होते हैं, एक शेयर वो होते हैं कि जो कुछ टाइम के लिए खरीदे जाते हैं फिर उनको जल्दी बेचना होता है, एक शेयर वो होते हैं जिन्हें एक बार खरीद लिया तो फिर आप 1 साल बाद या 2 साल बाद कभी भी बेच सकते हो। तो जो शेयर है जो लंबे टाइम मतलब 1 साल के बाद अगर कोई भी इंसान बेचना चाहता है या लंबे टाइम तक चलते हैं वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, उन शेयर पे क्या होता है, उनसे जो भी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स है वो पे करना होता है, और वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब ऐसी कैपिटल जो कि काफी लंबे टाइम तक आप उसको संभाल कर रखे और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये मेनली जो शेयर मार्केट्स होते हैं और जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पे गवर्नमेंट अभी इसको लेके आई है, और इसके जो रेट है होती है 10%। और इसी के साथ एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और यह मेनली शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स था यह तो गवर्नमेंट पहले से ही चल रहा है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। यह मेनली 1 साल से कम के लिए जो कैपिटल गेन की जाती है, कैपिटल को बढ़ाया जाता है इनकम को, उसके ऊपर टैक्स है वो लगता है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही ध्यान रखनी है कि जो LTCG टैक्स है वो मेनली इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था बट अभी इसे वापस री इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये चीज हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बजट में। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो आती है मेनली सिग्मो फेस्टिवल के बारे में। तो देखते हैं कि सिग्मो फेस्टिवल के बारे में, न्यूज तो एक्चुअली ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमारे लिए फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होता है। फेस्टिवल क्या है, यह मेनली गोवा का एक फार्मर्स का फेस्टिवल, मतलब गोवा के जो किसान है रूरल किसान उनका एक फेस्टिवल है। होता क्या इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जो वहाँ की फोक आर्ट्स हैं उनकी प्रदर्शनी की जाती है, जुलूस है वो निकाला जाता है, और मेनली ये दशहरे के टाइम पे होता है। तो ये ध्यान रखना है, बेसिक चीजें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। एक तो फेस्टिवल पूछ सकते हैं यूपीएससी है कहाँ का, तो सिग्मो फेस्टिवल है वो गोवा का फेस्टिवल फार्मर्स का। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो आई है WFP के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। तो है देखते हैं क्या, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो मेनली फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और यूएन का एक ब्रांच है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, नाम से एक्चुअली पता नहीं चल रहा है यहाँ पे बट हमें ध्यान रखना है ये यूएन का एक पार्ट है। यूपीएससी यहाँ पे कन्फ्यूज कर सकती है, काम क्या है, फूड से रिलेटेड काम होता है। वैसे इसका मेनली जो पूरा काम है वो देखते हैं, इसका काम ये है कि यह वर्ल्ड का एक तो लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर भूख मरी हुई फूड सिक्योरिटी के लिए क्या काम करता है, मतलब लोगों को खाने पीने के लिए सुविधा मुहैया करना। ये देखो क्योंकि पूरे विश्व में क्या काफी लोग गरीब है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर उनको खाना वगैरह नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस इंस्टीट्यूट का या इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो किया गया था, यूएन का है। ऑब्वियसली पार्ट नाम से ही पता चला यूएन की एक ब्रांच है। इसे मेनली 1960 में बनाया गया था क्योंकि 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, FAO की। तो फूड एंड एग्रीकल्चर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कॉन्फ्रेंस के बाद इसे 1960 में बनाया गया था, ताकि जो लोगों के पास या जिन कंट्रीज में फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे फूड को सिक्योरिटी वो प्रोवाइड की जा सके और फूड सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। तो ये कुछ बेसिक न्यूज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब आगे देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मेनली आया है
हुआ है सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड, तो आपको बताना कि सर्वाइकल कैंसर जरा वो किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, यूटर से रिलेटेड है, या फिर नन ऑफ दिस, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताना है सेन क्लाई के बारे में, कि सेन क्लाई इसका दूसरा नाम है ब्लू कम्युनिटी, ये एक समुदाय है, इसके बारे में आपको बताना कि सेन क्लाई कम्युनिटी के बारे में। पहला ऑप्शन दिया गया कि एक अफगान की एक कम्युनिटी है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि है मेल सॉरी दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि ये मेल जो पर्सन वाली जो सभ्यता होती है, पर्सनल जो वाली जो सभ्यता होती है उसके नॉर्म्स एंड कल्चर्स को क्या है फॉलो करती है, तो ये तो आपको बताना कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डस्ट मिटिगेशन प्लान के बारे में, तो आपको बताना कि डस्ट मिटिगेशन प्लान के बारे में। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि है अभी सभी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इसमें ये प्रावधान है कि सभी जो भी फर्म्स हैं उसको इसके रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करने होंगे। दूसरा यह कि डस्ट मिटिगेशन प्लान है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं NAAQS के द्वारा, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, उनको सार को फॉलो करते हुए यह बनाया गया, तो इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ वो है ग्रीन गुड्स डेट कैंपेन के बारे में, तो ये आपको बताना है ग्रीन गुड डेट्स कैंपेन है ये किससे रिलेटेड है, तो ये मेनली चार क्वेश्चन उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हम कल के क्वेश्चन उनको एक बार देख लेते हैं। कल का जो पहला क्वेश्चन था वो था NABS निर्माण स्कीम, नाब निर्माण स्कीम के बारे में आपको बताना था। देखो जो NABS निर्माण स्कीम है ये मेनली एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि अभी आप जान रहे हो कि हमारा देश है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आगे आने वाले 5 सालों में 5-6 सालों में क्या होगा कि देश का जो ट्रैफिक है एयर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे एयरपोर्ट को भी सिक्योरिटी एयरपोर्ट को सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी इतनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना कि बाकी जो और लोग आएंगे वो भी मतलब वहाँ पे आराम से रहने का मतलब ये कि वहाँ पे आराम से उस कैपेसिटी को एडजस्ट कर सके एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए इसका निर्माण है वो इस स्कीम को लेके आ गया, तो इसमें मेनली एयरपोर्ट की जो स्ट्रक्चर वगैरह हुई या एयरफोर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जाएगा, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन था वो था राइज स्कीम के बारे में, तो राइज स्कीम है वो मेनली रिसर्च में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, ताकि स्टडी वगैरह है वहाँ पे रिसर्च को बूस्ट करने के लिए क्या उसमें इन्वेस्टमेंट है वो देश के, क्योंकि देखो अभी हमारे देश में क्या कि रिसर्च सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफी कम होती है, तो गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है ताकि इंडिया का टैलेंट है वो इंडिया में ही रहे और इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो, तो उसके लिए ही मेनली स्वदेशी के साथ साथ इस चीज को बूस्ट किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एडोब हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखो जो एडोब हेरिटेज प्रोजेक्ट है ये मेनली टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, किसकी हेल्प से हेल्प वो किया गया था कल्चर मिनिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो हमें ये ध्यान रखना है कि 1861 में बना था, तो एक चीज इंपोर्टेंट क्या आती है कि आजादी से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के लिए, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट TEQIP 3rd के बारे में, तो इसके बारे में आपके सामने तीनों स्टेटमेंट देखते हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है। यह मेनली इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, और यह मेनली ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो बैकवर्ड स्टेट है इंडिया के उन बैकवर्ड स्टेट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद में अगला पॉइंट था वो था कि इसमें इंस्टीट्यूशनल जो फॉर्म रिफॉर्म है वो लाए जाएंगे, इसके बाद स्टूडेंट के बेसिस पे भी रिफॉर्म लाए जाएंगे, तो जी वो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के जो कल के क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।